हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिबांस किचन। आज हम बनाएंगे चावल के लड्डू। चावल के लड्डू बनाने के लिए हमें लगेगा 200 ग्राम बॉइल्ड राइस, यानी उकड़ा चावल, 100 ग्राम ताजा नारियल, 100 ग्राम गुड़, 1 टीस्पून घी और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। चावल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने जो 2 कप राइस लिया है, इसको मैंने साफ धो के सुखा के लिया है। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, तो चलते हैं ड्राई रोस्ट करने के लिए। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करके लेंगे। हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक एक ब्राउन होते नहीं, इनको ब्राउन होने तक हमें भूनना है। अभी चावल अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और हम अब गैस बंद कर देते हैं। और गैस बंद करने के बाद में हम कढ़ाई गर्म है, इसके लिए इसको थोड़ा टाइम भुनेंगे। अब इस चावल को ठंडा होने को देते हैं, फिर हम मिक्सी में इसके पीसकर इसके पाउडर करके लेंगे। आधा चावल मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस के ले रही हूँ। अब मैंने इस पाउडर को बाउल में छान के दिया है, अच्छे से छान के दिया। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इतनी अच्छी पाउडर बन गई है हमारे मिक्सी में भी पीस के। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो हम चक्की में भी पीस के ला सकते हैं इसको, लेकिन मैंने थोड़ी क्वांटिटी थी इसके लिए मिक्सी में पीसा है। चलो फिर शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। अब मैं इसी के अंदर नारियल पिसा हुआ ले रही हूँ, ग्रेटेड नारियल है ये। इस इलायची को मैं इसके अंदर डालूंगी, लेकिन यहाँ मैंने इलायची की पाउडर बना के लिए है तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसमें से 1/2 टीस्पून मैं इलायची पाउडर इसमें डाल रही हूँ। इस मिश्रण को मिक्सी में पीस के लेना है ताकि एक हो जाए। इसमें कुछ भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए मैं इसको मिक्सी में पीस के लेती हूँ। अब मैं इसे मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल के पीस के लूंगी ताकि एक गुड़ और नारियल और चावल एक जैसा हो जाए मिक्स करके। इसमें कुछ भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए हमें इसे पीस के लेना है। अब इसे निकाल के लेती हूँ। अब इसके अंदर आप 1 चम्मच घी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिक्सी में पीसने के बाद ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें अच्छे से गुड़ और कोकोनट जो है कोबरा डाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम लड्डू बना रहे हैं। ना इसको ज्यादा घी की जरूरत है, ना इसे और ज्यादा भूनने की जरूरत है। एक बार सिर्फ चावल को हमने भून के लिया, उसके बाद हमको गैस की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार बन गए हैं हमारे चावल के लड्डू। और इसी तरह से हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप खुश रहिए।